घर में स्नेही बंधुओं, आज सभी भक्त सिद्ध भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जिनकी आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं वे हैं कौन, हम पूजा किसकी कर रहे हैं, उनके अंदर क्वालिटी क्या है, ऐसा उन्होंने क्या काम किया है कि हम आज उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं वो तो बात दूर की है, पूजा करने में भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, यानी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। वो सिद्ध भगवान, सिद्ध चक्र विधान, क्या नाम है विधान का, सिद्ध चक्र विधान। सिद्ध भगवान चक्र यानी समूह, सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं। कितने सिद्ध भगवान, बोले समूह। अब वो समूह ही कितना है, ओहो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनकी संख्या को सोच भी सकें, हम उनकी गिनती कर भी सकें, हमारे दिमाग में इतनी ताकत भी नहीं है। यानी वो सिद्ध भगवान अनंतानंत हैं। कितने हैं, अनंतानंत सिद्ध भगवान है। एक तो होता है अनंत और एक होता है अनंतानंत। तो जो सिद्ध भगवान हैं वे अनंतानंत हैं। आप जितने चावल चढ़ाएंगे ना इससे विधान में, श्रीफल तो दूर की बात है, जितने आप चावल चढ़ाएंगे ना 8 दिन में, 1 दिन में आप कितने चावल चढ़ाएंगे, 1 किलो 2 किलो, 8 दिन में कितने हुए, 8 दुनी 16 किलो। उस चावल के कितने होंगे दाने, उतने दाने से ज्यादा। उस चावल में को आप कभी कभी जब आप धोते हो तो चावल गीले हो जाते हैं, फिर उसे आप गीले चावल को यूं कर दो थोड़ी देर गलने के बाद तो एक एक रवा रवा अलग हो जाता है, कभी आपने ध्यान दिया, एक एक रवा अलग हो जाता। तो उतने चावल में जितने रवे बने ना उससे भी अनंत अनंत सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हैं आप। जितने भगवान की पूजा करने यहाँ पर बैठे हो उतने तो आपके चावल के दाने तो छोड़ो, उतने रवा भी नहीं है उसमें जिनकी पूजा करने हम बैठे हैं, इतनी संख्या में है। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि सिद्ध चक्र विधान करने, उद्देश्य याद रखना, यहाँ जो बैठे हो उसका उद्देश्य याद रखना कि किनकी आराधना कर रहे हैं, ये अर्घ किनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, वो कौन है, वो सिद्ध भगवान है। सिद्ध, सिद्ध का क्या मतलब होता है, कभी कभी कहते ना, हाँ भाई हमारा काम तो सिद्ध हो गया, कहते हो ना, अरे बोलिए ना, कहते हो ना हमारा काम तो सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया का मतलब काम पूरा हो गया, सिद्ध हो गया का मतलब काम पूरा हो गया। तो उनका तो नाम ही सिद्ध है, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनका तो नाम ही सिद्ध है। तो उनका नाम सिद्ध हो गया तो ऐसा क्या काम किया कि उन्होंने वो सिद्ध नाम पा गए, उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने काम किया ही नहीं। जितना काम आप करते हो ना, आप लोग काम करते कि नहीं करते, हाँ जी धाड़ूका जी, मेहनत करते हो ना, बहुत मेहनत करते हैं। जितनी महिलाएं पुरुष यहाँ बैठे हैं, अब हमारे यहाँ की प्रवास समिति देखो कितनी रात रात भर मेहनत कर रही है, तब कहीं जा करके आपके लिए ये व्यवस्था हुई है, ये सुंदर पंडाल बना है, आप यहाँ सोफा पर बैठे हुए हो, आप यहाँ मंडल में बैठे हुए हो। कुछ ऐसे भी होंगे कि जरा सी कमी मिल जाए तो व्हाट्सअप तैयार है, ऐसे भी होंगे कुछ लोग कमी ढूंढ, कुछ लोग तो भक्ति करने आए होंगे, कुछ प्रोग्राम देखने आए होंगे और कुछ कमी निकालने आए होंगे। हर तरह के श्रोता होते हैं पंडाल में, एक हंस की तरह होते हैं, दूध का दूध,
पानी का पानी। भाई जो यहाँ से अच्छी चीज है वो तो हम लेके चले जाएंगे और जो इसमें कमी होगी वो हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे। एक होते हैं बगुला के समान। किसके समान? बगुला के समान, जो बिल्कुल कमी निकालने के लिए तैयार, ऊपर से तो दिखते हैं बड़े भगत हैं, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा दुनिया में कोई भक्त हो ही नहीं सकता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उससे बड़ा कम भक्त। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं है, आप तो सब बड़े वाले भक्त है, हैं? कुछ श्रोता छलनी के समान होते हैं कि जो सार सार होता वो तो यहाँ छोड़ जाते हैं और जो बुराई बुराई होती है वो ले जाते हैं। और कुछ श्रोता होते हैं जोंक के समान। जोंक को जानते हो आप? नाम तो सुना होगा, हमारे पुराने लोग जानते होंगे जोंक को। जोंक गाय की थन में चिपक जाए तो क्या पिएगी, दूध या खून? अरे बोलिए ना, जोंक जो होती है वो गाय के थन में क्या होता, दूध होता है ना, लेकिन वो क्या पीती है, खून पीती है। ऐसे कुछ लोग तो केवल परेशान करने के लिए आते हैं कि भाई एक बार मिल तो जाए मौका, यहाँ का वातावरण जब तक खराब ना कर दें तब तक उनके दिल में शांति। कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं और कुछ हर तरह के श्रोता होते हैं। तो यहाँ पर आप उन्हें धन्यवाद दें जिन्होंने आपकी व्यवस्था करी है, उन्हें धन्यवाद दें जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका तालियां बजा के स्वागत करें जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। कोई बोल के कर रहा है, कोई भोजन की कर रहा है, कोई दरी की कर रहा है, कोई पंडाल की कर रहा है, कोई पूजा सामग्री की कर रहा है, कोई फोन करने की कर रहा है, कोई पंपलेट छपवाने की कर रहा है, कोई लगे पड़े हैं आपके परिवार के लोग, ये समझे वो आपके ही परिवार के हैं। कोई भी यदि कमी आपको दिखती है तो ये सोचो कि मेरी कमी है, उनकी कमी नहीं है। और उन्हें बड़े प्यार से अकेले में बताएं, भाई साहब ये काम ऐसे नहीं, ऐसे और हो जाए तो अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप नहीं चलाना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं व्हाट्सएप में मत निकालना। हाँ नहीं तो मैंने बताया हर तरह के लोग होते हैं, तो होते हैं। कोई यहाँ से पुण्य भी लेकर जाएगा और कोई यहाँ से नहीं, दूसरी बात मैं नहीं बोलूंगी। तो भगवान की भक्ति, सिद्ध भगवान की, काम सिद्ध हो गया, उन्होंने ऐसा काम किया कि उनका काम सिद्ध हो गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है? कर्मों का नाश करना। भाई आप अभी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, रिजल्ट क्या मिलता बताइए मुझे? बच्चों को बड़ा करते हो, इतनी उसकी सेवा करते हो, इतनी चिंता करते हो, उनकी बहू लाते हो, इतना सब कुछ करते हो, बाद में क्या होता है? बच्चे क्या कहते, क्या किया तुमने हमारे लिए, हैं? कह देते नहीं, कह देते बच्चे कहने में आ जाते नहीं, क्या किया तुमने हमारे लिए? सबके माँ बाप करते, तुमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। इतनी मेहनत करी उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं, और भगवान ने ऐसा काम किया कि काम करना ही नहीं बचा। तो सिद्ध भगवान आठों कर्मों का नाश कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है? कर्मों का नाश करना। कर्मों का नाश हो गया, इसके बाद कोई काम बचते ही नहीं है। अभी आप जितना काम कर रहे हो ना, इसके बाद अभी और काम है, फिर और काम है, फिर और काम है, फिर और काम है। काम के बाद बाहर के जितने काम है वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, सारा काम खत्म। भगवान मंदिर में दर्शन किए ना भगवान के, पीछे वाले बोलेंगे भगवान के दर्शन किए आपने मंदिर में, इधर वाले भगवान के दर्शन किए आपने मंदिर में, अच्छा बहुत अच्छी बात है। भगवान बैठे कैसे हैं? हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, आंखें नीचे किए हैं, तुम्हें देखते तक नहीं है, हाथ उठा के आशीर्वाद भी देते हैं क्या? यदि माता जी हाथ उठा के आशीर्वाद ना दें तो आप दोबारा आओगे कि नहीं आओगे? नहीं आओगे। और भगवान जी तो आपको आशीर्वाद भी नहीं देते हैं, फिर क्यों जाते हो मंदिर में? अरे बोलिए ना, हैं? भगवान सिद्ध हैं, अरिहंत भगवान हैं, उनसे शिक्षा लो कि दुनिया का जो सबसे बड़ा काम है बस संसार का काम छोड़ना और आत्मा का काम करना। उत्तमा स्वात्म चिंता चा, देह चिंता चा मध्यमा, अधमा काम चिंता चा, पर चिंता धमा धमा। सबसे उत्तम है अपनी आत्मा की चिंता करना,
देह चिंता च मध्यमा, उसके बाद मध्य में विषय भोगों की, शरीर की है, इन सब की चिंता करना। अधमा काम चिंता च, ये अधम है विषय भोगों की चिंता करना, और पर चिंता धमा धमा दूसरे की चिंता करना, अधम से अधम काम है। आप लोग इन चार में से कौन सी वाली करते हैं, पहले नंबर की? अरे बोलिए ना, नहीं दूसरे नंबर की। देह चिंता च मध्यमा, अपने देह की और दूसरों की देह की ये भी करते हैं। फिर तीसरे नंबर विषय भोगों की चिंता, और चौथी दूसरे की चिंता, और अपनी चिंता ना मिले तो पड़ोसी की चिंता में लग जाते हैं, पड़ोसी की ना मिले तो भाई बहनों की चिंता में लग जाते हैं, वो ना मिले तो किसी और की चिंता में लग जाते हैं, कोई और ना मिले तो राजनीति की चिंता में लग जाते हैं, कोई और ना मिले तो अपने घर के जो कुत्ते बच्चे बच्चे पाल रखे हैं कुत्ते वगैरह, उनकी चिंता में लग जाते हैं। और चिंता चाहिए करने के लिए, बिना चिंता के मन ही नहीं लगता किसी का, और लगे भी कैसे? जो धर्म करता है उसका मन तो सही लगता है, और बाकी लोग बिना चिंता के जी नहीं सकते हैं, उनका चिंता करना परम धर्म होता है। और ये चिंता मिटती है भगवान की भक्ति से, भगवान के ध्यान से, भगवान की आराधना से, भगवान की उपासना से, जो कि आज आप यहाँ करने के लिए। कोई कितना भी गुस्से में बैठा होगा, सेल्फी ले ले, मुस्कुराहट आ जाती है, हैं? हाँ, यानी कैमरे से बड़ा सावधान। अरे कर्मों का कैमरा 24 घंटे चल रहा है, जिससे कर्म बंद होता है, 24 घंटे चल रहा है, वो भले नहीं दिख रहा है बाहर, लेकिन ये कैमरा 24 घंटे चल रहा है। तो आप यहाँ क्यों आए हो? अरे बोलिए ना, क्यों बैठे हो यहाँ पर? जोर से बोलिए, सिद्ध भगवान की आराधना करने के लिए। अब सिद्ध भगवान की आराधना में, सिद्ध भगवान का तो शरीर ही नहीं है, हम उनकी आराधना करने बैठे, चलो कोई बात नहीं है। आपके पास भाव है कि नहीं है? कितने लोग भावों से विधान करेंगे, हाथ उठाकर बताओ, भाव से कितने लोग करेंगे? चलिए हाथ नीचे कर लें। और द्रव्य से मात्र कितने लोग करेंगे, बिना भाव के? द्रव्य अकेले से, बिना भाव के। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि फल का नंबर आया और फल चढ़ाते हुए थाली में फल नहीं है, तो पूजा पूरी हो गई क्या? नहीं। अच्छा भाव नहीं है, फल चढ़ाते समय भाव नहीं है, फल नहीं है थाली में कोई बात नहीं, लेकिन भाव भी नहीं है पूजा? अच्छा हाथ में फल है मगर भाव नहीं है, पूजा भावों को करवानी है कि फल को, बादाम को करवानी है? पूजा श्रीफल को करवानी है कि अपने भावों को करवानी है? अरे बोलिए ना, जो बादाम चढ़ा रहे पूजा बादाम कर रही है या हमें करनी है? अरे जोर से बोलिए ना। अच्छा आपको करनी, बड़े समझदार लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सामग्री से ज्यादा किस पर ध्यान देना है? जोर से बोलिए, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और पूजा में भाव का, खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले से चक्र विधान का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और होने वाली सिद्ध चक्र पूजा का। तो मतलब जब विधान में बैठते हैं तो हमारा गुस्सा बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? शांत रहना है। पूजा क्यों करी जाती है? यदि भगवान के गुण हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं तो समझना अभी पूजा शुरू भी नहीं हुई है। और सबसे पहला गुण है कि क्रोध कम करो, और ये गुण तुमने ले लिया तो तुम्हारे 8 दिन यहाँ बैठना सार्थक हो गया। यही भगवान, जैसे आप सिद्ध बन गए, अनंत सुखी हो गए, ऐसा सुखी मुझे भी होना है। इस संकल्प के साथ में पूजा में बैठना, आज इन भावों के साथ में पूजा करना, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और पूजा में महिलाओं का। और 8 दिन का नियम आज एक साथ दे देती हूँ, 8 दिन तक आपको थाली में जूठा नहीं छोड़ना है। जोल आदिनाथ भगवान की जय। जोल जहाजपुर वाले बाबा मुनि सूरत भगवान की जय। जोल स्वस्ती भूषण माता जी की जय। भगवान की असीम कृपा से और स्वस्ति भूषण माता जी के
आशीर्वाद से हमें हमारे पुण्य के जो भाव उदय पुण्य के भाव उदय हुए उससे हमें एक मौका अपनी जिंदगी में मिला परम सुख आनंद का परम पुण्य का धर्म प्रभावना करने का कि हम आज सिद्ध चक्र विधान जो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है बज्राजी नशिया जयपुर में अष्टानिका के महापर्व के उपलक्ष्य में 10 तारीख से 18 तारीख तक मार्च में और उसमें हमें स्वधर्म इंद्र बनने का माता जी ने जो अवसर दिया और हमारे पुण्य प्रताप से जो ये काम हुआ उससे हमें परम खुशी है। यह सिद्ध चक्र विधान जो हम माता जी के सानिध्य में कर रहे हैं और पंडित जी के डायरेक्शन में जो काम कर रहे हैं उसमें हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और 1024 अर्घ 8वें दिन चढ़ेंगे 8 से लेकर के 8 16 32 64 ऐसा कर करके आखिरी दिन 1024 अर्घ हम चढ़ाएंगे और सिद्धों की अनंत अनंत सिद्धों की आराधना कर करके और हम धर्म का और पुण्य प्रभाव का लाभ लेंगे। यहाँ माता जी का जो जयपुर में आगमन हुआ था प्रवेश हुआ था उसमें जो जनता की जयपुर की जनता ने जो अपना भाव बताए थे भाव जागृत किए थे और जो जिस हिसाब से उन्होंने उनके प्रवेश के टाइम पर जो उत्साह दिखाया था वो उत्साह अभी सिद्ध चक्र विधान में भी दिखाई दे रहा है। उनकी प्रभावना से 256 मंडली विधान यहाँ पर हो रहा है और उसमें हमें सोधर इंद्र बनने का अवसर मिला है वो हमारी ज़िंदगी में एक अद्भुत 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 खुशी का मौका है। हम दोनों बम्बई से इसी काम के लिए आए हैं और हमारा पूरा भाव पूरा प्रयत्न यह है कि हम सिद्ध चक्र में जो सोधर्मेंद्र यहाँ बने हैं वही सिद्ध चक्र विधान हम नंदीश्वर धूप में जा कर के करें और आगे जा कर के सोधर्मेंद्र का हमें बनने का अवसर मिले। ये तो पात्र बनने का है हम पात्र बनने के साथ में ही ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सोधर्म बनने का पात्र ही नहीं हमें सोधर्म इंद्र बनने का मौका देवें ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। जय जिनेन्द्र। बोली 1000 अतिशयकारी भूगर से प्रतीत श्री मुनि सूर्यनाथ भगवान की जय। वात्सल्य करुणा की मूरत जग से नहीं है अभिलाषा शीश झुका कर नमन करें हम पूर्ण करो मेरी आशा सत्य अहिंसा सुचिता संयम जिनके पावन लक्षण है ऐसी विदुषी स्वस्ति माँ को नित प्रति मेरा वंदन है ऐसी विदुषी स्वस्ति माँ को नित प्रति मेरा वंदन है। बंधुओं वास्तव में वात्सल्य और करुणा की मूरत परम विदुषी लेखिका गण्य आर्यिका भारत गौरव स्वस्ति भूषण माता जी जिन्होंने विश्व में जहाजपुर मंदिर का निर्माण कराकर अपना नाम विश्व पटल पर अंकित कर लिया है जिनके सानिध्य में यहाँ जयपुर में भट्टारक जी की नशिया में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन 10 से 18 मार्च को होने जा रहा है जिसका आज पहला दिन था। आज हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ प्रारंभ किया उसके 8 अर्घ चढ़ाकर सिद्ध भगवान की आराधना की। निश्चित है वह विधान सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो हमने यहाँ किया वह स्वस्ति भूषण माता जी की लेखनी द्वारा लिखा गया है। इतने सरल और सरल शब्दों में वह विधान रचा गया है कि जिसको बड़ा ही नहीं बच्चा भी अपनी भाषा में समझ लेता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है और प्रभु भक्ति की ओर आतुर होने लगता है। ऐसा विधान जो एक नहीं दो नहीं दस नहीं बीस नहीं कम से कम 200 बार उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन सब शहर शहर में अपने यहाँ कराकर उस विधान का लाभ ले चुके हैं। और बंधुओं इस चक्र महामंडल विधान में प्रथम दिन ही आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे हजारों की संख्या में लोग इस विधान में शामिल हुए हैं। निश्चित ही ऐसा नज़ारा जहाजपुर पंच कल्याणक के बाद दूसरी बार यह नज़ारा आज यहाँ देखने को मिला है। इतना सुंदर नज़ारा कि उस पंच कल्याणक की याद इस नज़ारे ने हमें दिला दी है। निश्चित ही यह विधान हमें सफलता प्रदान करेगा। आप भी
ऐसे विधान को देखने के लिए भट्टाराय जी की नशिया जयपुर में अवश्य पधारे और परम विदुषी लेखिका स्वस्ति भूषण माता जी, जिनके निर्देशन और प्रेरणा में यह विधान हो रहा है, आप भी उस विधान का लाभ अवश्य लें और प्रतिदिन सुबह 8:50 से 10:30 बजे तक लाइव प्रोग्राम इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन का लाइव टेलीकास्ट आप पारस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। बंधु अवश्य देखें और धर्म का लाभ अवश्य लें। जय जिनेन्द्र। जय बोलिए मुनि सुव्रत नाथ भगवान की, जय बोलिए आर का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। आज का दिन तो परम दिन है, आज सिद्धों की पूजा हो रही है जो वो देखने लायक है, और माता जी ने यहाँ आकर धर्म की गंगा बहा दी है। ऐसे आदमी उमड़ रहे हैं कि पंडाल में जगह नहीं मिल रही। आज माता जी का पंचकल्याणक के बाद पहली बार मैंने उत्साह देखा, इतना ज़्यादा हुआ। सिद्धों की पूजा के उपलक्ष्य में मैं एक भजन आत्मा का बोल रही हूँ। दुनिया में सबसे न्यारा ए आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ए आत्मा हमारा, यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में, यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ए आत्मा हमारा, सूखे न पवन के द्वारा ए आत्मा हमारा, शस्त्रों से कटे न काटा नहीं तोड़ सके कोई भाटा, मरती न मरी का मारा ए आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ए आत्मा हमारा, माँ बाप सुता सुत नारे झूठे झगड़े संसारी, माँ बाप सुता सुत नारे झूठे झगड़े संसारी, नहीं कोई देत सहारा ए आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ए आत्मा हमारा। यहाँ सिद्धों की पूजा हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है, आप लोग सब आइए और देखिए। जब बोलिए आर का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जय बोलो मुनि सूरनाथ भगवान की जय। जैसा कि मेरे को पता चला था कि माता जी का कोटा बिहार हो रहा है, तो मैं जाजपुर गया हुआ था। मेरी छोटी माता जी से बात हुई, माता जी बोली कि माता जी तो कोटा जा रही है, तो फिर माता जी ने बोला तू जयपुर ले जा। तो मैं माता जी मैं तो कैसे लेके जाऊंगा जयपुर, वो तो कोटा जा रही है। बोला कोशिश कर। तो मैंने क्या किया, घर पे था, सुबह उठा, 6 जने थे हम, बिना नहाए धोए सोच रहे थे कि माता जी को जयपुर लाना है। तो मैं, मेरा भाई चेतन, निमोड़िया, हम सब बिना नहा धो के सीधे जाजपुर निकल गए, और माता जी को कुछ पता भी नहीं था कि हम आ रहे हैं। जैसे ही हम गए तो माता जी को बोला कि हमने श्रीफल चढ़ाया कि जयपुर चलिए माता जी, माता जी ने मना कर दिया, बोला नहीं मैं तो अभी नहीं जा सकती। फिर हम मुनि सूरनाथ भगवान के पास गए, वहाँ हमने 21 श्रीफल चढ़ाए, तो भी माता जी ने बोला कि मैं अभी नहीं जा सकती। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, हम मनाते रहे माता जी को। शाम को 5 बज गई, माता जी बोली कि मैं बताती हूँ। फिर 6 बजे पता नहीं मैंने क्या बोला, माता जी आपको जाजपुर से निकलना है तो जयपुर के लिए निकलना है, ये आश्वासन दो, चाहे जिस भी दिन, जिस भी साल, किसी भी दिन जाओ, कोटा की तरफ नहीं जाओगे, जयपुर की तरफ जाओगे। जब माता जी ने हाँ करी, माता जी का जयपुर में जन प्रभाव इतना हो रहा है, जैन लाभ बढ़ रहा है, सिद्धों की आराधना हो रही है, जो एक अद्भुत नज़ारा कोई 5-7 साल बाद जयपुर में देखने को मिला है, ये सब माता रानी का प्रभाव है। स्वस्ति भूषण माता जी में एक अतिशय है, जैसे मुनि सूरनाथ भगवान में अतिशय है, वैसे ही इन माता में भी उनका एक अतिशय का रूप है, ये जो देखने लायक है। आप सभी लोग भट्टारक जी के नशे में पधारे और सिद्धों की आराधना का नजारा देखें और आनंद लेवे। देवाधिदेव खजराट जाजपुर स्थित मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय। गणनी आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बंधुओं, ये सुबत्ती अवसर संपूर्ण राजस्थान का भी पुण्य प्रताप इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान से जुड़ा हुआ है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का जो सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, वो सौभाग्य हमारे साथ साथ संपूर्ण जयपुर के बाद भी हमने
हमारे सौधर्मेंद्र जो कि मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे यहाँ धनपति कुबेर जो कि जयपुर की शान है, ऐसे अनन्य गुरु भक्त माता से जुड़े हुए इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के यहाँ पर आए हुए हैं। समस्त विधान को पूज्य माता जी ने अपनी लेखनी से लिखा है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस विधान का मुझे अनुष्ठानाचार्य का पद और प्रतिष्ठाचार्य का पद यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ और सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये संपूर्ण विधान सभी के साथ मिलकर के चार चार गुरु माँ का सानिध्य हम सबको यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत गौरव गण्य आरिका स्वस्ति भूषण माता जी, आरिका श्री विज्ञा श्री माता जी, आरिका श्री भरतेश्वरी माता जी, आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी, तीन तीन गण्य माता जी हमारे बीच में, और संपूर्ण जयपुर की समाज और समस्त स्वस्ति धाम प्रवास समिति के सभी सदस्य यहाँ पर इस आयोजन को कराने के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। इस कार्यक्रम में प्रातःकाल 8:50 पर लाइव टेलीकास्ट प्रतिदिन हो रहा है। शाम को पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन 5:40 पर पारस चैनल पर दिखाया जा रहा है। आप भी इस विधान का एक हिस्सा बने और अपने घर पर बैठे बैठे सिद्धों की आराधना करें। यहाँ प्रतिदिन आज हमने 8 अर्घ चढ़ाया है, कल हम यहाँ पर 16 अर्घ चढ़ाएंगे। बड़ी भक्ति भाव के साथ आप सब भी इस विधान से जुड़ें। ओम नमः, जय जिनेन्द्र। और आज हमें यहाँ जाजपुर में आकर बहुत अच्छा लगा। अभी तक हम लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से ही यहाँ अभिषेक और शांति धारा देखा और यहाँ साक्षात देवादिदेव के सामने प्रस्तुत होकर हमने बहुत अच्छा महसूस करा है। सौभाग्य कि हम किसी कारणवश कोटा तक आए थे और हमारे कुछ ऐसे अच्छे कर्मों के फल से हमको एक सौभाग्य मिला कि हम यहाँ पे सपरिवार, मैं संदीप जैन, मेरे साढ़ू भाई शैलेन्द्र जैन और साले साहब सचिन जैन और सपरिवार माता जी के साथ सब हम लोग यहाँ पे आ सके। हमारा विचार यहाँ पे रात्रि को रुक के सुबह अभिषेक दर्शन करने का था, जो कि हमको मिले और काफ़ी आनंद आया। और अभी हम सभी परिवार वालों को और हमारे पिताजी जो इनके हैं उनको स्वास्थ्य लाभ के प्रति हम लोग ने पूजा करी है, उससे उनको आशीर्वाद मिले, ऐसी हमारी कामना है। मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर फिर अभिषेक करने का भगवान के स्थापना दिवस पर सौभाग्य मिला था और आज फिर सौभाग्य मिला है। आज का सौभाग्य खास करके सौधर्मेंद्र के साथ में हम लोग जयपुर जा रहे हैं, जहाँ पर माता जी सिद्ध चक्र विधान करवा रही हैं। तो अब यहाँ पर मुनीश्वर भगवान को बाबा का आशीर्वाद लेकर के और मंगल कार्य सिद्ध चक्र विधान अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर सौभाग्य हमारा कि हम वहाँ पर सौधर्मेंद्र बने हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये विधान निर्विघ्न माता जी के सानिध्य में संपूर्ण होए। जागा जब से हमने अपने भाव बनाए कि हम जहाजपुर जाकर मुनिसुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करें, और जब हम आज सुबह सुबह दर्शन करने आए मैं भाभी, तो हमने देखा कि छत्र अपने आप स्वतः ही हिल रहा था। बाकी सारे छत्रों को भी हमने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे घूम रहे हों, लेकिन नहीं, सिर्फ एक ही छत्र था। पूरा रोमांचित हो उठा शरीर, ऐसा लगा कि हमारा आना सार्थक हो गया है। चैतन्य चमत्कारी मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय। जन्मों के पुण्य का उदय था, आज भगवान के दर्शन हुए। कितने सालों से इच्छा थी कि मैं भगवान के दर्शन करूं, उनका अभिषेक करूं, आज मुझे वो पुण्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, आप लोगों ने मुझे ये पुण्य का संयोग दिया। मैं तो भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं। मैं अपनी ओर से मेरे बड़े बेटा अभिनव, मेरा छोटा बेटा सिद्धार्थ एवं पूरे परिवार की ओर से बारम्बार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, आपकी जय हो। है कि आज मैं 3 महीने बाद में ही वापस दूसरी बार शांति धारा करने का मेरे को मौका मिला और यह हमारे लिए जिंदगी में बहुत ही पुण्य का दिन है कि मेरा भाई भी साथ में है, मेरे बहन भी साथ में है, मेरी पोती भी साथ में है, सबके साथ में आज ऐसा आनंद आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज पूज्य माता जी यहाँ पर नहीं है, जरा सा यही मन में मलाल है और कुछ नहीं है। बोलो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। स्वस्ति धाम पर आकर के ऐसा प्रतीत होता है मानो
हमें स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त हो गया हो। 1008 मुनिसुतनाथ भगवान के दर्शन करने से ही मन में जो भी संताप, जो भी दुख, जो भी चिंताएं हैं, अनायास ही सब समाप्त हो जाती हैं। महानुभाव, ये क्षेत्र जो परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से यहाँ पर निर्मित हुआ है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो केवल 4.5 वर्ष की अवधि में इतने भव्य रूप में सभी सुविधाओं से युक्त स्थान यहाँ पर, ये धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थान यहाँ पर तैयार हुआ है। ऐसी भावना है, ऐसी कामना करते हैं कि हम शीघ्रातिशीघ्र बार बार यहाँ पर आवें, 1008 मुनिसुतनाथ भगवान का दर्शन कर, अभिषेक शांति धारा कर, अपने कर्मों की निर्जरा यहाँ करें। पूज्य माता जी का आशीर्वाद, आर्य का संघ का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इसी भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेन बंधुओं, पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने मुनिसुतनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का जो सपना संजोया था वो पूरा करके पूज्य माता जी विहार करती हुई जयपुर की पावन धरा पर प्रवेश करने जा रही है। आने वाली 6 मार्च रविवार को भट्टारक जी की नसिया में प्रातः 8:30 बजे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा के साथ में मंगल प्रवेश होगा। आप इस मंगल प्रवेश में सादर आमंत्रित है। साथ ही अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 10 मार्च से 18 मार्च तक 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होगा। बंधुओं, सिद्धू की आराधना करने का सुअवसर मिला है, पूज्य गुरुमा का पावन सानिध्य हमें मिलेगा, ऐसा सुअवसर मिला है। आप इसमें इंद्र इंद्राणी बनकर के, पात्र बनकर के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे, पुण्य का संचय करें, जिसमें न्योछावर राशि इस प्रकार है, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये। आप इंद्र इंद्राणी बनकर के एक मंडल पर बैठ करके सिद्धों की आराधना करने का महासौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सूचना निम्न नंबरों पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राज ग्रही में जन्म लियो आप, राज ग्रही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।